भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए पंकज सिंह विधायक पहुंचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पंकज सिंह जी। पंकज जी, आज कार्य समिति की बैठक है, शुरुआत मेरठ से, क्या मानते हैं? नहीं, हमेशा क्रांतिकारी धरती मेरठ रही है, हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की सीख यहाँ से मिलती है और कई जगहों पर इसी तरीके से संगठन के विभिन्न कार्यक्रम होते हैं और उसी क्रम में आज कार्य समिति इस बार मेरठ में रखी गई है। क्या मानते हैं 2019 की तैयारी की शुरुआती मेरठ से है? मैं 2019 के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर तैयार रहते हैं किसी भी चुनौती, किसी भी चुनाव का में उतरने के लिए और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं। पंकज जी, अभी इस प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने प्रदर्शन करा, बड़ी मेहनत के बाद उन्हें वहाँ से हटाया गया, क्या मानते हैं बीजेपी हाईकोर्ट बेंच के लिए साथ है वकीलों के? मैं देखिए, स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में लोग अपनी बातों को रखते हैं, शासन के सामने भी अपनी बातों को रखते हैं, ये तो बात आनी भी चाहिए और जो उचित है, जो सही है, वो निर्णय भी सरकार उचित समय पर लेती है। पंकज जी, जिस तरह से गठबंधन हुआ है, गठबंधन के बाद लगातार बीजेपी की बैठकें जारी हैं, उसको लेके क्या मानते हैं आप, कुछ असर पड़ेगा 2019? कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा, वो दोनों तीनों जितने भी दल हैं वो सब विपक्ष के, वो सब अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें ये उनका एक होना, अनेक होना, ये उनका अपना इंटरनल मैटर है। भारतीय जनता पार्टी अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम पर, अपने विचारधारा पर, अपने डेवलपमेंट के एजेंडे पर भरोसा रखती है और उत्तर प्रदेश और देश के करोड़ों जनता के आशीर्वाद की आकांक्षा रखती है, यही भारतीय जनता पार्टी की अपनी ताकत है। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नोएडा विधायक पंकज सिंह, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि विपक्ष के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी 2019 में ज़रूरत से भी ज़्यादा सीटें लेकर जीत हासिल करेगी। सादिक खान, उत्तर प्रदेश .org, मेरठ।